हरिओम हरिओम हरिओम। लैला खो 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 ना रे दोगली भोसरो ना खाना कहले बारी हाई सरोसा के भाजा वाले तो पारा पर पारा लू अंडा देखा था नहीं कैसे ना पारा था पारा ना था हागा मुता के जी आने करा दे पर ए भाईयो ए दादा के मुंगा दे बहु का ओकरा पारे के होती ते पड़ते नहीं ना पड़ते सुनना भाईयो 2 घंटा से हम तोर नौटंकी देखत नहीं काल हमर अंडा खाए के भाज बा अगर मुर्गी के तनको रेफ लाग गेल त साले भूल जाम कि तू हमर बड़ भाई बारे हां त भूल ना जो केंगे तोरा से अंडावा परवा लेता नहीं साले मुंह ना गार बल गोबना नाम चाहतरन के आज मुर्गी अंडावा ना परो इस तरह के काल भाज बा त कल 2 गो अंडा खइयम लैला लैला आराम से पार लेकिन आजे पार कावे सार लोग हम जानते तो उनको उजिया जाइबो हमरा बाप के जूस खाना लो आंटा पर भाल लगा था एगो मुर्गी पोसले बानी कोर कुटु मता कुटा भी लाई ले खंडो उरता रोहई त खाई सारवा सब लेकिन ये सार लोग सब बची तो अपनो क्यों खाई ए लोग के मुंह मारे के बा हमरा हई सारो से खा लो तो कुछ बोलल ना मौगाय रहल आ हमरा पर चाप चढ़ले बार ड्राइवर बानी तोरा से अरे अपना काम है बनता आ गार मारबे कुटुम रे कौनागत के शायरी बोल ले हरी तनको शोभला हुआ पार दल अंडा लैला अंडा के साथ साथ गंदा भी कर दिलू अब चल जा होकर लगे होकर बाड़ी आज अन कोच बना के खाए बहुओ तनका हमरो के खियाइए दादा देखा तरह उतने बहुत बा सुंगे दे हमारा ही ना खियावे के बात करो तरह जो सरवा ना खियाइए हमारा ने खियावे जाता क्यों माये तन का तेल बेसी रखिए अंडा फूले के चाहिए तन का नाश्ता लगाई माई जी साले के बाप के जिम्मेदारी बा नाश्ता निकाल के रखल जा साला एगो दमादो बा तो 1.5 महीना से घरे बैठल बा बाहर भीतर जाके नामे नहीं खेलेबा जिंदगी भर हमरे कमाई खाई का दुन सरवा ए माई तनी हमरो के दी है हमनियो बेटे बनियो और ओकर ना बाबू हमर दे तनी आज अंडा छुआ गेल नु तो चूल्हे फोराई आज हां तोहर बाप ने चूल्हा बनेले भरन फोर दिया नी पुतरो कहीं के हरिओम 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 उधर तंग तुर ले का दिन नु हमरा ना कोरोना खाई धर रे चढ़वा धर अपना गाड़वा में ठूस ले धर धर घर में अंडा खाना बनी दिखाएं क्यों निकला देखा बाहर क्यों आयल बा ए सुना ता नहीं देखी ना क्यों चिल्लाता कुत्ता लेखन कौन चिल्लाता रे के बा ए बा आदमी नहीं के चिना है पहले एक गिलास पानी ले आओ पुला करे के बा प्रणाम अरे सतरंगी बाबू का समाचार बा अब बड़ी दिन बाद पूरा वेशभूषा बदल के फूफा जी प्रणाम प्रणाम फूफा प्रणाम फूफा खूब खुश रह आइलो आ तू का फूआ 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 तो थोड़े मजे मारत हो फूफा मेहमान जी तनी होश में न तरहरो बहन के मजे मरवा दे ए महाराज माजा मारे के मतलब गलत का समझतन घर में पंखा लागल बा गैस पे खाना बनाता वॉशिंग मशीन में कपड़ा पिटाईता ई सब माजा ना बत का बा ए फूफा तो बात ठीक है कहत हो पापा नु अपन दोगल अपन सोचल लाओ हाय पतर का इधर बैठ इधर तब मेहमान जी राहुल बहनिया माजा मारा था कि ना कोनो ठीक बा माजा मारते होई धनी घर में नु शादी भेल बा एसी में रहला आ खाना पीना नौकर बनावेला ई सब तो भगवान के मर्जी बा फूफा ओ फूफा चला ना अंगना में माई बुलावता चला ना माई नाश्ता निकाल के पलंग पर धइले बा चला आओ तनी आओ तनी आओ ए मेहमान बाहर बैठू भीतर का जा तनी ए हटू सरोजिन बुलाओ तरी 12 दिन ओकरा भेट कला केने बारो ओकर जा अरे भौजी काल में हो भौजी प्रणाम खूब
खुशी रही, खूब खुशी रही। बड़ी सुंदर लगा तेरे भौजी, मन करता काचे काट ले। बात छोड़ा, आ कहीं ना ना दिए के समाचार। ठीक है मान में की रहुआ लेके सही की। मेहमान जी ने और बारा बनिया खा रहा बा। कोती भौजी? ए राहुल ठीक। हमरा दिले घबरा गेल, हम समझ नहीं कुछ और। तुम्हारा गंदा गंदा बात सोच के, तुम्हारा गंदा गंदा। बहू रे, फूफा जी के बैठे लगे कुर्सी लिया आवा जा। ए, जो जाके कुर्सी ले भाई। तोरा के कॉल हुआ कि हमरा के? तोरा के। माई, केकरा कॉल है कुर्सी ले आवेला? तोरा बाप के। ओ पापा के। पापा? जाके कुर्सी ले आओ, फूफा के बैठे ला माई कहत हवा। दूसरा खड़ा होके मतारी के खेला देखा तरह। जो सला जाके कुर्सी लिया। हम ये कह जाइयो, एक नहीं कहला कौन है? एक नहीं का तोर बाप हो कि बाप के बाप के बाप हो? कथि कहले रे साला, बाप चाहेंगे बतिबे? मारत करा बरन नि पुत्र मुआ ना तो हमरा लइका वाके। ए चुप बतरी तू, चुप। ज्यादा बोलू तो आज पिठा से फार। अच्छा जाय दू भाई साहब, खिसियाओ मत, हम खड़ खड़ी ठीक बानी। ए चुप साला चुप, तोरा से बोले नहीं कि जा मऊगाठी कहीं के। कर कुटुम आवल है तो दूरा पर बैठल है, सुरसुराइले घर में घुस गेलन सरोजिन से भेंट करे। भला आदमी लेखन बाहर चला। अच्छा ठीक बा, बाहर ही नाश्ता पानी हो जा। कब से बैठल बानी, सारा नौटंकी देखा तनी, भिखारी ना आई, घर के दामाद है पुरान का। फूफा, नायका दामाद के घर में इज्जत नहीं खे, अब पुरान का दामाद कहीं केहू लाड़े पूछता। एगो काम करो ना फूफा, ई घर वाली लिखवाना लो। हाँ तो लिखवाइए ले हम, जहाँ एक बार ठाननी तब तो दो चार कटा लिखवाइए ले हम। हमार लड़वा हिलाओ ना सरौ के बेटा। हाँ यार, और बाबूजी और अदले बरन की लिखवा ले बा। ओ भाई जी, नाश्ता करबा कि ना करबा कि भूखे रखबा? मिली नाश्ता इतना छटपटी कथी के बा, भूखे मरल जाते रे का। अइले सरसराइले घर में घुस गेला। आए जो बगो से जो फुपाला नाश्ता लेके आओ। ए भैया चल नाश्ता ले आओ जाओ। ए जो कोनो पहाड़ ले आओ के, नाश्ता ले आले चार आदमी जाई, जैसे कोनो आदमी मरल बा कांधा देके ले आओ के बा। आइला फूफा नाश्ता, आइला फूफा पानी। अरे साला अंडा, हमारा अंडा कहाँ ले ले रे? ए भाई यो माई दले ये कलई ये फूफा खाईयन। ए गार मारी फूफा के, हमारा अंडा कोनो सरवा ना खाई। अंडा खा ठीक साले के, फूफा तू खा। खाओ कुटुम खाओ, डराओ मत, ये साला अंडा के बच्चा बा। ए फूफा, अंडा के खाल पूरा गांव बाहर निकाल दे हम, अगर अंडा के छू देला नु ता तोर से परवा ले हम। ए कुटुम खाओ रहुआ, हम बानी नु फूफा। अंडा के छू देला तो हर मुंह छू करके तोरा गार में साट दे हम। खाओ मेहमान खाओ ढीटे। फूफा तू खा, हम पकड़ ले बानी। ए फूफा, फूफा तू डरा मत, ढीटे खा। ए बाप अंडा मुंह में जाता। हमार जूजी खाना फूफा, अंडा खाई साला पकड़ो तर। अब ले जसन भूजा प्याज के खाई, हटावा सन। ए बहू ए प्लेट हटाओ, मेहमान ना खाइन, इनका गांड भरल बा। अड्डा चा बाबा ता लोग बकरी के घास समय काटी लो, बैठ के चुतर से करता। बाबूजी देखी ना के आयल बारन। के आयल बारन? हम सतरंगी, प्रणाम बाबूजी। खुशी रही, खुशी नहीं, काहे ला ओइने हो? मुंह मरवा गेल बनी, साला घर में कोनो इज्जत नहीं के, कोनो टी खिला होता, कोनो अंडा छीनता, कोनो घर से निकलता है, बहुरूपिया बनी का। बहुरूपिया राक्षस कह राक्षस, अंडा हमर काय खाला बिना पूछ ले। अरे हम काय जानी अंडा कहाँ से लेके आए लो, मुंह में तो ना पड़े दे ले, छीन के खा गेले हो। अच्छा फूफा तू टेंशन मत लो, भेना अंडा पारा नु तो खिया। अच्छा ना 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 ना, भेना हमर मुर्गी अंडा पारे नु तो खिया। बंटी अंडा तू परबे, एक बार मुर्गा से पाल खाए के पड़ते हो।
जो साला तू ये पालखो रोज अंडा पड़ी है रोज तरवा के खाइए। रे साला तू ने कहले अंडा परम द फूफा खइहन। रे साला गलती से मुंह से निकल गेलो को गेट छोड़ ना छोड़ और मुआ में आप उठे फूफा ए हटी रहुआ उठी फूफा जी। अरे बाबू बाप बउआ जी बैठावा कुर्सी पर ए हटी ए बटवा दोगला लड़का से पैदा ले लेबा आ फिर भी लोग दौड़त रहता। ससुरारी बता आई ना लो फूफा जी के नाश्ता ना करल हुआ कम से कम खाना खियाबा हूँ। जा बउआ जा मेहमान के खाना लेके खिया दो उनका घर जाए के बाद। अभी खाना बनल का हम अकेले आदी लोग फूफा रात के बसिया रोटी और सब्जी वाल लिया दी वह खाए में खटता वह। कोनो बात नहीं के सर बेटा कोनो बात नहीं के हमारा कोनो काम धंधा बा बनू गरम गरम खा के जाए। आ फूफा मुर्गो के मीट मंगा दी वह का। ना 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 मुर्गा एक काय ला लिए खस्सी के लिए वह खाए में बड़ी मजा आई। केहू सार हमरा से मीट का पैसा मांग ले लखनू तो हमारे मुँह में लार धास दे। कौन बात ना कौन बात ना जो बोगो मीट लेके आ जो चल भैयो रे ठीक कहले हम मीट ले आवेला आज फुफे के बहाने मीट चापल जाइस साला रोज रोज अंडा खा के लवंडा बनल बनी सर। भैयो रे अपन बापू हाथों पर बड़ी जोर से मरले हो बहुत जोर से। हाँ अच्छा कोनो बात नहीं के एक पीस बेसिए खाइए सारा दर्द दूर हो जाएगी। हाँ पाहुन इतना करिए काहे बानी। फूफा जी चिमनी में काम करिले भोर से कह इतनी इतना झोकड़ल काहे लागे तनिया। फूफा जी राउरो मुहुआ गधा के फुलल गांड लेखा लागता। अच्छा दमा जी मानदान होकेला कि ना कि हमरे लेकिन रोज रोज बेइज्जत होकेले। मानदान हमारे झाँट होकेला वो सब बहतर दशा होकेला लेकिन चाहेला कि कब चल जाओ लेकिन हम खीसे खूटा गार के बैठल बानी डेढ़ महीना से। ठीक कहतन पाहुन एगो हमरो समय रहे घर में जाते गोर धोवाए लागे आ मीट मछली से घर गम गम महके। ठीक कहतन फूफा जी लेकिन आज के समय बा मीट मछली तो दूर के बात बा खाली पाद मौकेला। अच्छा ये सब बात ठीक ठाक नहीं के लेकिन मिठुआ होता ताले आराम कर ली। इस्माइल भाई गोल पीस काटा गोल पीस। का इस्माइल मुर्गा कैसे चलत हौ? मुर्गा चलत नहीं के बैठल बा। सरा हूँ मजाक कैले बड़ा दाम बताओ सरवा। अच्छा भाई तनिए तो बता भाई सरवा दाम पूछल का खाली पूछल का मुर्गी कैसे चलता है? रुक ए दाम बताओ कैसे हो 200 रुपये किलो। ओ भाई पैसा लावा। ए इस्माइल सुन ना एक बार इतना बीख मत पाद कम कितना करब ये बताओ। ना भाई कम ना हो तो 1 रुपये कम ना करब। ला 1 रुपये कमे दे 199 रुपये लाओ। साला 1 रुपये कम करके एहसान करो तरह का रे 180 रुपये देवे बोल अभी खड़े खड़े कटवा ले बहू। कम ना हो तो आगे बढ़। ए चल कम ना करी सरवा चल। ए भाई बोल तू कितना चाहिए? आधा किलो। हाय मिठो ना ले भाई का। ए लेवल जाई चुप ना वो अपने बुलाई कहियो भाई हेने आवा 180 रुपए दो तन का इंतजार कर। कहां बोला लोग रे साला साला दोगला बारे है ना बोले लखा चल ले लेवल जाई चल। इस्माइल आए ढाई मिनट एक किलो सरवाना कम कर बेटा आई धर 200 रुपये अपना गांड में खोस ले। अच्छा एगो समय रहे हमू बहुत बड़का छिना रहे। फूफा जी रहुआ रही हम बानी। फूफा हाई देखा मीट देखा तू बड़ा साला सबके दुगलाई काचे मीट से मुंह पर मार देल। काथी दुगलाई बतियाला फूफा मुँह पर ना मरियो तो गांड पर मरियो।
देखत नु बड़ा साला के दुगलई पति आइल बपुआ साला कम हरामी नहीं के सब सुनत रहला लइका सके समझाव लेना हमका बार बोली वेशभूषा बनाइले बारा गादहा लेखन त सह प्रणाम मूसा खुशी रह देहवा पर कहने चढ़ा देले आइलन सरसराइल घंटी मारते प्रणाम मूसा चल साइकिल पीछे कर घर में खाला खर्ची ना अब बाटत रह के बा पर्ची ये घर में दुगो कुटुंब कम रह लख कि तीसरा चौथा आ गेल ए हमिया बोला बतानी कुत्ता लेखन चिल्लाल बर अब त साला स तो मार के बेलगा दी ना मीट मंगा मंगा के खियावो गांड फटे नो बाप के नु अर्जे में का बेलो दादा गे तेरे साले के दुगलई अरे ई त बाबी मौसी के बेटो सब आ रहे हैं रवि और रंजन अरे कोनी बेले हस रे प्रणाम भैया प्रणाम भैया खूब खुशी खूब प्रणाम भैया प्रणाम भैया हट हट प्रणाम कराओ का औकात हो तोरा जाके फोन एके प्रणाम कर लई प्रणाम भैया खुशी रह बाबू हमर अच्छा दादा कुछ बोलो तो दादा के बात के बुरा ना मानिए सर ऐसे मिठाई में तो नहीं कथी ले ले सर का कुछ लेनी है माई पैसे ना दे ले रहल तो तोहनी कथी करे ले धर्मशाला बुझ ले बारे बिना कुछ ले ले चल दे वालीस अइले पानी पी हटा पानी ए का बिलवा पिए दहु ए मिठाई ना खेले के आल जा दे यो पानी पी लेवे दे ए बिना मिठाई के कुटुंब कसनो करई रे चल चल लेके चल घर जो भाई वो घरे रात हो जाता बैठला से कोनो फायदा ना हो साला दोगला चो सब दुगारी पे कहियो मुतहु ना है साले बिना मिठाई के मुंह उठा के चल दिए बउओ देखो मीट बनल कि ना बनल भूको लागल बा बाप के जूजी खाले बेचैन बरन देखा तानी बनल कि ना बनल माई मीट बन गेलौ हाँ हो गेलौ ए माई पानी मत लगाइए हम भूजल खबाऊ हमहु भूजले खाइबो लोगन हाँ पानी ना लगाई ना अच्छा ठीक हो जा जा के प्लेट ले आओ लोगन जा साला सब कहतो नहीं कि मीट बन गेल बा के खा ल उम्मीदो रखले बारा का खाएला उ सर्वस से बचतव तब न खैबो भाइयो तोरा में ज्यादा जात हउ मीट के कमी ही करे होना रे साला चुपचाप ज्यादा जात हउ हाली हाली खोन द फुफा जतव हां बैठला से काम धंधा ना चले वाला बा दमाद जी अपना से गोड़ा चलाए पड़ी ना तो भूखे गांचियार के मोर ए मेहमान भीतर कहां बारे बैठू बारे खाना आई बोलू मत ज्यादा रहुआ साला हियां भूखे बैठो बैठल गांड के नस फटल बा आ खाना बाहरे आई तोरी बहिन करा के अरे सब रे कढ़ाई चाट के चिकन कर देले बड़ा अच्छा एकरा मतलब अलग बर्तन में रखल बा और मिटवा भाइयो फूफा ता कुछ जानते ना हो बतावो तनी फूफा माई मिटवा बनेले रखा अच्छा आ खाए में लागल हो से अच्छा आ तू रह गेला पाछा आ खाते खाते खत्म कर देनी है अरे साला साला मिटवा खा गेले कुत्ता के बच्चा सब बारे करे ए भोसरो केने मारू हे न्या अंगना में कैसे कैसे लइके पैदा कर ले मारू फूफा ए फूफा हमनी के मदारी के गाड़ी ना तो हमनी मिलके गाड़ी भाई साला हमरे घर पर रे भैया हां फूफा के गाड़ में मारा साइने हाथे पकड़ाओ ए आप सलाद पूरे पूरे ए मेहमान है रुकी हम दूसर कुछ ले आओ तो नहीं खाएला चुप छिन रे मार दो सा मार के फूफा के गाड़ो फाड़ दो ए मेहमान आखिर का भेला काय चिन्नी मौगी लेखन गीत का करवा तनी लइका से दोस्त सब मिल के मन रखा अरे पापा हट जा आज फूफा के गार फाड़ दो ए कहे रे का
का भेल हो? फूफा के घर काहे पड़बे? साला माई के छिनरी कहलक ह। मार के धोती कुर्ता फाड़ दे साला के। आ पापा गाड़वा के का करी? साथे साथे वो फाड़ दे। ए क्या करता है लोगन? ठीक नहीं कहो। बीच में लबर लबर बरोता रहा। तोरा घर जाके तोरा बहनिया के छिनरी कहती तो कैसा लगता आपको? चुपचाप खड़ा रहा मतलब फूफा के साथ साथ तोरो घर फरा जाई। अरे फूफा के पेटवा फुल्ले बा, अरे मार के पचकाओ। रुक अब तोरी के फूफा के बुला के ले आब, तब तोरी के हम बताए कि फूफा जी के कितना मर मर ले बारे। तई का देर आ, रुक जा फूफा, तई का देर, ओकरा बाद हम ने हगाइए देन सो। तो अगर आप सब भी अपने पैसे को काम पे लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाओ और वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा एक एक्सक्लूसिव 50% बोनस। तो ऑक्टा एफएक्स बेस्ट ऐप है एक्स्ट्रा इनकम के लिए।